सीखने के उद्देश्य। इस अध्याय में यूजर खुले हुए पीसीबी यानी बेयर पीसीबी की हैंडलिंग तथा परीक्षण के बारे में यह सब सीखेंगे। एचिंग की प्रक्रिया, एच किए गए बोर्ड पर पीसीबी डिजाइन, बोर्ड पर एचिंग सही हुई है इसकी जांच करना, बचे हुए अतिरिक्त रेजिड्यू को निकालना, पानी को 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करना, एक्सट्रूडेड इपॉक्सी को छांटकर साफ करना, अलाइनमेंट के लिए छेद या ड्रिल करना, पीसीबी पर सर्किट बनाना यानी लिथोग्राफी, कंपोनेंट लीड के लिए छेद या ड्रिल करना। एचिंग एक परिचय। एचिंग किसी धातु की प्लेट से प्रिंट बनाने का तरीका है, जिसमें ज्यादातर तांबे की प्लेट पर एसिड द्वारा डिजाइन कट किया जाता है। तांबे की प्लेट को पहले एसिड प्रतिरोधक पदार्थ से कोट कर एचिंग ग्राउंड तैयार किया जाता है। इस प्लेट पर फिर धारदार औजार से डिजाइन बनाया जाता है। एचिंग ग्राउंड ज्यादातर मोम, बिटुमिन और रेजिन का मिश्रण या कंपाउंड होता है। इस प्लेट को फिर नाइट्रिक एसिड या डच मार्डन से धोते हैं, जिससे जहां एचिंग की गई होती है वहां रेखाओं का एक पैटर्न बन जाता है। इन रेखाओं में स्याही भर जाती है और जब इस प्लेट को नम या मॉइस्ट पेपर पर लगाया जाता है तब यह डिजाइन पेपर पर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार प्रिंट तैयार होता है। पीसीबी एचिंग प्रक्रिया। पीसीबी एचिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एक खाली बोर्ड को उसकी रेजिस्ट छाया या इमेज के साथ एक ऐसे घोल में डालते हैं जो कि तांबे को घोलने में सक्षम हो। फिर हमें तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक रेजिस्ट द्वारा सुरक्षित किए हुए तांबे को छोड़कर सारा तांबा घुल नहीं जाता। बाद में इस बोर्ड को धोकर ड्रिलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में स्ट्रॉन्ग एसिड का प्रयोग कर धातु के उन भागों पर डिजाइन बनाया जाता है जहां रेजिस्ट नहीं लगा होता है। इसमें तांबे, जिंक और स्टील जैसी धातुओं की बनी प्लेट्स को मोम मिश्रण से ढक दिया जाता है जो कि एसिड रोधक होता है। फिर यूजर उस मोम की सतह को तीखी सुई से खुरच कर निकाल देता है। इस प्लेट को फिर एसिड के घोल में डाल दिया जाता है। यह एसिड धातु के उस हिस्से को घोल देती है जो बिल्कुल एक्सपोज होता है। इस प्रक्रिया के दौरान प्लेट पर गहरी या पतली रेखाएं उभर आती हैं। इसके बाद प्लेट का अन्य भाग साफ किया जाता है और उस पर स्याही की पतली परत लगाई जाती है। स्याही लगाने के बाद सतह को पोंछ दिया जाता है जिससे सिर्फ एचिंग किए हुए भाग में स्याही या रेखाएं रह जाती हैं। अब एचिंग की गई प्लेट को उच्च दबाव अथवा हाई प्रेशर छपाई मशीन या प्रिंटिंग प्रेस में नरम कागज या सॉफ्ट पेपर के साथ रखा जाता है। इस स्थिति में कागज एचिंग की गई लाइनों से स्याही की छाप ले लेता है। इस तरह उनका प्रिंट बन जाता है। एचिंग की प्रक्रिया में एसिड के प्रयोग से लेकर सुई, स्याही और नरम कागज तक का प्रयोग होता है। यदि एक ही डिजाइन की कई प्रतियां या कॉपीज चाहिए तो इस प्रक्रिया को दोबारा किया जा सकता है। बोर्ड पर एच किया हुआ पीसीबी डिजाइन। आज के जमाने में एक या एक से अधिक डिजाइन से प्रिंट किए हुए सभी सर्किट या पीसी बोर्ड में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का होना आम बात है। इसमें हर बोर्ड छोटे कंपोनेंट्स को आधार प्रदान करता है। केवल यही नहीं, यह एक तरह से इनको जोड़ने की तार का काम भी करता है। परिणाम स्वरूप इसे असेंबल और निर्माण करना काफी आसान और भरोसेमंद हो जाता है। फिर एचिंग पर इंसुलेशन की एक पतली परत लगाने के बाद सभी कंपोनेंट्स को इस पर माउंट किया जाता है। बोर्ड पर एच किया हुआ पीसीबी डिजाइन जारी। फिर इसमें एक या दोनों तरफ पतले तांबे के कनेक्शन पैड्स और ट्रैक्स या ट्रेसेस जोड़े जाते हैं। कई परतों वाले यानी कॉम्प्लेक्स मल्टीलेयर्ड कॉम्प्लेक्स बोर्ड्स में इससे भी पतले कई बोर्ड एक साथ ताप और दबाव या प्रेस के प्रशोधन में रखे जाते हैं। यह सभी परतें एक दूसरे से इंसुलेटेड होती हैं। तांबे की परत सबस्ट्रेट। तकरीबन सभी पीसी बोर्ड शुरुआत में इपॉक्सी फाइबर ग्लास की एक शीट होते हैं जिस पर तांबे की पतली वर्क या फॉइल चढ़ी होती है।
यह इसे एक या दोनों तरफ से ढक देती है। एक तरफ से ढकी हुई शीट को एक तरफा लैमिनेट यानी सिंगल साइडेड लैमिनेट और दोनों तरफ से ढकी हुई शीट को दो तरफा लैमिनेट यानी डबल साइडेड लैमिनेट कहते हैं। सही एचिंग की जांच। एचिंग के दौरान सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। पैड्स और ट्रैक्स का एक अपेक्षित या डिजायर्ड पैटर्न बनाना होता है। कुछ ध्यान में रखने वाली सावधानियां हैं। अनचाही धातु को कंप्यूटर कंट्रोल्ड मिलिंग या रूटिंग मशीन से निकाल देना चाहिए। हर अपेक्षित पैड या ट्रैक के चारों तरफ का सारा तांबा निकालने के बजाय केवल एक पतली पट्टी या ट्रेंच के घेरे को ही निकालना होता है ताकि वे एक दूसरे से इंसुलेटेड रह सकें। बाकी सारे तांबे की वर्क को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए क्योंकि यह सर्किट के ऑपरेशन में कोई बाधा नहीं डालती। आजकल कंप्यूटर कैड फाइल से डायरेक्ट राउटर द्वारा लगभग सभी पीसी बोर्ड पैटर्न्स को तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर से संचालित या कंप्यूटर कंट्रोल्ड मिलिंग अथवा राउटिंग यंत्र का एक यह नुकसान है कि यह व्यावसायिक उत्पादन यानी कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए बहुत महंगा पड़ता है। महंगा होने की वजह से ज्यादातर पीसी बोर्ड रासायनिक या केमिकल एचिंग द्वारा बनाए जाते हैं जिससे कि अनचाहा तांबा हटाया जा सके। इसमें एच रेजिस्टेंट पदार्थ से मास्किंग पैटर्न लगाया जाता है जिसे तांबे की वर्क के सतह पर रेजिस्ट लगाना भी कहा जाता है। हाई डेंसिटी इंटरकनेक्शन या उच्च घनत्व इंटरकनेक्शन HDI। HDI PCB वह PCB होते हैं जिनके तारों का घनत्व आम PCB से ज्यादा होता है। उनमें आम PCB से अधिक पतली रेखाएं, कम स्पेस, छोटे कैप्चर पैड्स और अधिक घने कनेक्शन पैड्स होते हैं। HDI का प्रयोग ज्यादातर छोटे से छोटे उपकरण में अधिक जटिल डिजाइन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। छोटे वायर्स इस्तेमाल करने से इलेक्ट्रिकल प्रभाव के अलावा HD बोर्ड की ताकत या पावर इंटीग्रिटी पर भी असर पड़ता है। इसमें डीकपलिंग कैपेसिटर्स के माउंटेड इंडक्टेंस के विभिन्न असर, चिप पिनआउट्स द्वारा छेदों में कमी आने के कारण प्लेन परफॉर्मेंस में बदलाव, अलग अलग मोटाई के डाइलेक्ट्रिक्स के इस्तेमाल से प्लेन कैपेसिटेंस में होने वाले बदलाव शामिल हैं। लिथोग्राफी। लिथोग्राफी फ्लैट सरफेस या समतल सतह से छापने का तरीका है। इसमें पीसी बोर्ड को इस प्रकार बनाया जाता है कि जहां जरूरत हो वहीं स्याही लगती है और बाकी जगह से स्याही हट जाती है। छपाई के इस तरीके से स्याही और तेल मिक्स नहीं होता और टेक्स्ट या चित्रकला को किसी भी उपयुक्त कागज या मटेरियल पर छाप सकते हैं। पुराने जमाने में इसे पत्थर से अन्य मटेरियल पर छापते थे, परंतु नई लिथोग्राफी में यह इमेज पॉलीमर कोटिंग से बनती है और यह पीसीबी की डिजाइन और विकास में बहुत काम आती है। लिथोग्राफी। इसमें साधारण रासायनिक प्रक्रियाओं से अपेक्षित इमेज बनाई जाती है। पीसीबी उद्योग में लिथोग्राफी का उपयोग किया जाता है। पीसीबी के डिजाइन और विकास में लिथोग्राफी की प्रक्रिया के कई स्टेप्स होते हैं। हर स्टेप को मॉनिटर और कंट्रोल किया जाता है ताकि कम से कम गलतियां हो और डिजाइन के अनुसार नतीजा निकले। रेजिस्ट। रेजिस्ट एक तरह की पॉलीमर आधारित पतली लैकर की तरह परत होती है। इसे पीसीबी के तांबे के ट्रेसेस पर लगाते हैं। यह कंपोनेंट्स को ऑक्सीडेशन से बचाता है और एचिंग के दौरान दो या दो से अधिक सोल्डर पैड्स के बीच में सोल्डर ब्रिज बनने से रोकता है। इस परत को लगाने से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स न सिर्फ अच्छा दिखते हैं अपितु बिजली के शॉर्ट सर्किट से भी बचाव करते हैं। इसे मैनुअल या स्वचालित दोनों ही प्रकार की सोल्डर की प्रक्रियाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु आज के इलेक्ट्रॉनिक बूम में बड़े पैमाने पर उत्पादन जरूरी है। इसलिए पीसीबी के बड़े पैमाने के उत्पादन की रचना और विकास में रेजिस्ट महत्वपूर्ण योगदान करता है। रेजिस्ट कई रंगों का होता है, पर ज्यादातर पीसीबी बनाने में हरे रंग के रेजिस्ट का प्रयोग होता है। रेजिस्ट प्रयोग के अनुसार कई तरह के मीडिया में उपलब्ध है। सस्ते रेजिस्ट का प्रयोग इपॉक्सी लिक्विड में होता है जिसे पीसीबी पर सिल्क स्क्रीन के प्रयोग से पैटर्न के रूप में देखा जा सकता है।
रेजिस्ट के प्रकार। एचिंग प्रक्रिया द्वारा बोर्ड को मार्क करने के लिए विभिन्न प्रकार के रेजिस्ट इस्तेमाल होते हैं। यह दोनों ही प्रकार के उत्पादन अर्थात मूल रूप या प्रोटोटाइप और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं। कुछ साधारणतः इस्तेमाल होने वाले एचिंग के तरीके हैं रेजिस्ट स्याही पेन, सिल्क स्क्रीनिंग, फोटोरेजिस्ट, टोनर हस्तांतरण या ट्रांसफर। रेजिस्ट के प्रकार विवरण। रेजिस्ट स्याही पेन, यह रेजिस्ट लगाने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है। इस तरीके में जल्दी सूखने वाली लिक्विड स्याही हाथ से लगाई जाती है। इसे एक खास तरह के फेल्ट टिप पेन से लगाया जाता है। इसका इस्तेमाल कम मात्रा में मूल रूप प्रतियां या प्रोटोटाइप बनाने में किया जा सकता है। सिल्क स्क्रीनिंग, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग बड़े पैमाने पर पीसी बोर्ड्स पर रेजिस्ट पैटर्न बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसमें मनचाहा बोर्ड पैटर्न बारीक रेशमी या नायलॉन की फ्रेम पर तनी हुई चादर पर बनाया जाता है। इस फ्रेम को फिर हर खाली साफ किए गए पीसी बोर्ड लेमिनेट पर रखा जाता है और तरल या लिक्विड रेजिस्ट स्याही को ब्रश से स्क्रीन के ऊपर से तांबे की वर्क पर लगाया जाता है। सिल्क स्क्रीन मास्क बहुत महंगे होते हैं, इसलिए यह तकनीक अधिक मात्रा में पीसी बोर्ड बनाने के लिए तो काफी सस्ती पड़ती है, परंतु कम मात्रा के लिए नहीं। फोटोरेजिस्ट, इस तरीके में पीसीबी पर रेजिस्ट पैटर्न लगाने के लिए फोटोपॉलीमर्स या लाइट सेंसिटिव मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला लाइट सेंसिटिव मटेरियल रिस्टन है। यह ड्राई फिल्म के रूप में उपलब्ध है। टोनर हस्तांतरण या टोनर ट्रांसफर, यह पीसीबी लैमिनेट पर प्रोटोटाइप या शौक या हॉबी के लिए रेजिस्ट पैटर्न बनाने का एक तरीका है। टोनर ट्रांसफर करने के लिए प्लास्टिक युक्त जेरोग्राफिक फोटोकॉपियर्स और लेजर प्रिंटर्स में टोनर पाउडर का प्रयोग करते हैं। फाइन पिच टिल्ट पिन फिक्स्चर्स, कई एचडीआई संरचनाओं का परीक्षण टिल्ट पिन फिक्स्चर्स के विकसित रूप से किया जा सकता है। वह फिक्स्चर प्लेट्स जो उत्पाद के बहुत पास हैं, उनका बहुत पतला होना जरूरी है, नहीं तो एक प्लेट में किया जाने वाला छेद दूसरे में भी हो जाएगा। ऐसे फिक्स्चर्स से अधिक घनत्व वाले ग्रिड की मांग बढ़ जाती है। ये फिक्स्चर्स और पिन्स स्टैंडर्ड फिक्स्चर्स से थोड़े महंगे होते हैं, परंतु समान तकनीक और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए बहुत उत्तम दर्जे के प्रक्रिया नियंत्रण और उत्तम पिन टिप सिमेट्री की आवश्यकता होती है। जब हम फाइन पिच फिक्स्चर्स का काम करते हैं तो प्रोडक्ट और फिक्स्चर रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण का भी ध्यान रखना चाहिए। फिक्स्चर एकदम सही होने पर भी कभी कभी प्रोडक्ट अलाइन नहीं होता। उत्पाद के टूलिंग फीचर और आर्टवर्क उत्पादन की अलग प्रक्रिया में जुड़ने के कारण आर्टवर्क और टूलिंग फीचर अक्सर अलाइन नहीं होते। बेंडिंग बीम फिक्स्चर, बेंडिंग बीम फिक्स्चर कुछ कुछ टिल्ट पिन फिक्स्चर्स की तरह होते हैं। उनमें केवल इतना फर्क होता है कि वे एक खास मिश्र धातु से बनी अत्यधिक पतली टेस्ट पिन्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि टेपर्ड पिन फिक्स्चर्स में उत्पाद के निकट बहुत सारे पतले सहारों या सपोर्ट की जरूरत होती है, वैसे ही इसमें भी उत्पाद के निकट सपोर्ट की आवश्यकता होती है, जहां पिन सीधी होती हैं ताकि आसपास की पिन्स के साथ टक्कर न हो। इन पिन्स को कड़ाई से नहीं पकड़ा जाता, बल्कि उम्मीद की जाती है कि ये ताकत लगाने पर दब जाएंगी। इस तरह दब जाने से यह पिन्स साइड में विस्थापित या डिस्प्लेस्ड हो जाती हैं। इस तरह मुड़ा हुआ भाग प्रोडक्ट प्लेन से कुछ दूरी पर स्थित हो सकता है और प्रोब्स को ज्यादा दूर रखने में मदद करता है। एक बार पिन मुड़ जाती है तो अच्छी मात्रा सब्सटेंशियल में ट्रेवल करने के लिए लगने वाली फोर्स स्थिर या कांस्टेंट हो जाती है। बेंडिंग बीम फिक्स्चर्स, यह स्प्रिंग प्रोब के केस से बहुत भिन्न है, जहां फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट द्वारा निर्धारित एक निश्चित दर से बढ़ती है। बेंडिंग बीम फिक्स्चर्स मार्क डैमेज से बचाते हैं। इसकी आधारभूत तकनीक
खास स्थितियों में कई सालों से इस्तेमाल हो रही है। इंटरफेस पर यह पिंस रिजिड कॉन्टैक्ट सरफेस की बजाय स्प्रिंग प्रोब से संपर्क बनाती हैं। कुछ व्यापारिक उदाहरणों में यह पिन उत्पाद से दूर एक तार की तरह फिक्स्चर के इंटरफेस हिस्से पर व्यापक दूरी वाले संपर्क की ओर बढ़ती है। यह बदले में पारंपरिक स्प्रिंग प्रोब्स के साथ इंटरफेस करती हैं। फिक्स्चर के अंदर ही प्रोब की तार उत्पाद से कुछ दूरी पर बंधी होती है, जो कि यह निर्धारित करती है कि प्रोब और उसके वायरिंग की कितनी लंबाई होगी। यह फिक्स्चर्स काफी महंगे होते हैं तथा खराब हो चुके प्रोब्स को बदलना काफी चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए यह तकनीक ज्यादातर छोटे क्षेत्र में और सीमित परीक्षण बिंदुओं में इस्तेमाल होती है। फ्लाइंग प्रोब। फ्लाइंग प्रोब सिस्टम के अधिक सटीक उदाहरण HDI परीक्षण के लिए अधिक अनुकूल हैं। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन की समस्याओं के बावजूद प्रोब टिप्स ऑन हेड ऑप्टिकल पैटर्न रिकॉग्निशन की मदद के साथ बहुत ही बारीक टारगेट पर भी काम कर सकते हैं। वे बिना धरातल को हानि पहुंचाए छोटे छोटे फीचर्स को भी जांच कर सकते हैं। इन सिस्टम्स को ट्रू केल्विन कॉन्टैक्ट टिप्स के साथ लेस किया जा सकता है, जो प्रभावी एकल मापन फ्रैक्शनल ओम टेस्टिंग को सपोर्ट करता है। फ्रैक्शनल ओम कॉन्टिन्यूटी टेस्ट दरारें या अन्य ज्यामिति समस्याओं की वजह से लेटेंट दोषों के प्रीकर्सर घटना का पता लगाने के प्रयासों में उपयुक्त हो सकता है। इसके सबसे बड़ी कमी यह है कि इससे परीक्षण की गति धीमी हो जाती है। अकेले प्रयोग करने पर यह सिस्टम प्रोटोटाइप या कम मात्रा के उत्पादन एप्लीकेशंस के लिए सही है, नहीं तो फिक्स्चर उत्पादन बहुत महंगा पड़ेगा। कपल्ड प्लेट। ऐसी स्थिति में जहां अधिकांश टारगेट उत्पाद को फिक्स्चर करना आसान होता है परंतु DCA या CSP की साइट मुश्किल होती हैं, वहां कपल्ड प्लेट की तरह का परीक्षण करना आसान हो सकता है। कई तरह के उत्पाद मौजूद हैं पर उन सब की तकनीक तकरीबन समान है। यह मान लिया जाता है कि DCA या CSP तक आने वाले सिग्नल नेटवर्क बोट पर किसी और साइट पर पारंपरिक प्रोब से एक्सेसिबल हैं। इन प्रोब साइट्स को उत्पाद के साधारण आइसोलेशन परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन सारे बोट का साधारण तरीके से कॉन्टिन्यूटी परीक्षण भी किया जाता है। इस तरीके से DCA या CSP की साइट पर सुपरफाइन पिच प्रोबिंग की आवश्यकता खत्म हो जाती है और उत्पाद की इस साइट पर मार्किंग भी बच जाती है। फिर भी इस परीक्षण से एक सच्चा DC कॉन्टिन्यूटी परीक्षण नहीं हो पाता और हाई रेजिस्टेंस कनेक्शंस छूट सकते हैं, जो कि लो थ्रेशहोल्ड DC कॉन्टिन्यूटी माप या मेजरमेंट से पकड़ में आते हैं। वे संकेत जो एक DCA या CSP पिन से दूसरी पर लूप बनाते हैं और कहीं नहीं जाते, वे परीक्षण में पकड़ में नहीं आते क्योंकि उनका कोई आउटबोर्ड प्रोब साइट नहीं होता जहां टेस्ट सिग्नल को इंजेक्ट किया जा सके। शॉर्टिंग प्लेट। यह तरीका कपलिंग प्लेट तरीके के समान हालातों में प्रयोग होता है, लेकिन इस मामले में परीक्षण के दौरान प्लेट को मूवेबल होना चाहिए। अक्सर ऐसा करने के लिए एक पेंसिल के माप का न्यूमेटिक एक्चुएटर परीक्षण फिक्स्चर के अंदर बिठाया जाता है। यहां लगाई गई प्लेट एक छोटी चपटी धातु की प्लेट होती है जिसका माप DCP या CSP साइट के बराबर होता है और यह इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव रबर से ढकी हुई होती है। जब इसे उत्पाद के खिलाफ दबाया जाता है तब यह DCA या CSP साइट पर सभी पैड्स को शॉर्ट कर देती है। इस स्थिति में कॉन्टिन्यूटी परीक्षण आउटबोर्ड प्रोब साइट्स के इस्तेमाल से यह निश्चित करने के लिए किया जाता है कि यह सभी नेटवर्क DCA या CSP साइट के माध्यम से साथ में शॉर्ट हो गए हैं। बाकी सभी नेटवर्क्स कॉन्टिन्यूटी के लिए साधारण तरीके से परीक्षित किए जाते हैं। फिर शॉर्टिंग प्लेट को निकाल दिया जाता है और एक सामान्य आइसोलेशन परीक्षण किया जाता है। शॉर्टिंग प्लेट। इस तरीके के मुख्य फायदे यह हैं कि आइसोलेशन और कॉन्टिन्यूटी दोनों का सही DC माप उपलब्ध हो जाता है तथा मानक खुले हुए या बेयर बोर्ड टेस्ट सिस्टम्स का प्रयोग हो जाता है। कुछ एप्लीकेशंस में यह चिंता रहती है कि कंडक्टिव रबर द्वारा बहुत ही कम मात्रा में कुछ रसायन छूट जाते हैं, हालांकि इनकी मार्किंग कम से कम होती है। उत्पाद की सफाई बहुत जरूरी है,
क्योंकि अत्यधिक धूल होने पर रबड़ या प्लेट को बदलना पड़ता है। जैसा कि कपल्ड प्लेट के साथ होता है, कुछ सिग्नल टोपोलॉजीज पकड़ाई में नहीं आती या उनका परीक्षण करना मुश्किल होता है। ड्रिल करने के बाद अवशेष या रेजिडुअल को निकालना। ड्रिल पूरी होने पर तांबे के ट्रैक्स पर से टोनर रेजिस्ट निकालें। यह इसलिए किया जाता है ताकि सोल्डर आसानी से किया जा सके। टोनर रेजिस्ट निकालने का सबसे साधारण तरीका एसीटोन या मिथाइल एथिल कीटोन को बोर्ड पर रगड़ना है। हालांकि यह तरीका काफी आसान है, फिर भी कुछ लोग इसमें प्रयुक्त रसायनों से डरते हैं। रसायनों का त्वचा पर दुष्प्रभाव न हो, इसलिए जरूरी है कि रबर के दस्ताने पहनकर सफाई का काम करें। यह भी जरूरी है कि सफाई का काम खुली हवा में किया जाए ताकि लोग रसायनों के धुएं इनहेल ना करें या उनसे कोई नुकसान ना हो। ड्रिल करने के बाद रेजिडुअल अवशेष निकालना। कुछ लोग रेजिडुअल या अवशेष निकालने का पुराना तरीका ही पसंद करते हैं। इस तरीके में पीसीबी को बारीक स्टील की रुई पर पेस्ट क्लीनर और गर्म पानी के मिश्रण से हल्के से रगड़कर साफ किया जाता है। इस तरह की सफाई से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और सफाई भी हो जाती है। पानी से ठंडा करना, वाटर कूलिंग। टोनर रेजिस्ट को बोट से निकालने के बाद उसे पानी से धोया जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रभावी सफाई के लिए पानी का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। कंडक्टिव रबर फिक्स्चर्स। कंडक्टिव रबर को बेसिक प्रोब एलिमेंट की तरह प्रयोग करने वाले फिक्स्चर सिस्टम के कई डिजाइन व्यापारिक तौर पर उपलब्ध हैं। कुछ मामलों में यह रबर एक खास तरह की चादर के रूप में होता है और सिर्फ जेड एक्सिस पर ही कंडक्टिव होता है। यह फिक्स्चर खुद सर्किट बोर्ड से बना होता है जिसमें जरा से उठे हुए पैड्स होते हैं ताकि रबर को इच्छित उत्पाद साइट पर जोर से दबाया जा सके। फिक्स्चर बोर्ड ग्रिड इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे की तरफ जुड़ा होता है। अन्य डिजाइन्स में विभिन्न प्रकार के स्थानीय तौर पर लगाए हुए रबर के डॉट्स, जो कि कंडक्टिव रबर के बने होते हैं और ओरिएंटेशन सेंसिटिव नहीं होते, शामिल हैं। फिर एक रबर की प्रोब बनती है। अधिक कीमत, जटिल निर्माण, जटिल मरम्मत, धूल के प्रति संवेदनशीलता और बहुत छोटे पैड के लायक होना, यह कुछ कारण हैं कि इसे बड़े पैमाने पर अपनाया नहीं गया। एक्सट्रूडेड इपॉक्सी की छटाई की प्रक्रिया। इपॉक्सी एक प्रकार का गोंद जैसा पदार्थ है जो प्लास्टिक या अन्य प्रकार के कृत्रिम या सिंथेटिक थर्मोसेटिंग पॉलीमर से बनाया जाता है। यह इपॉक्सी रेजिन्स का एक क्योर्ड एंड प्रोडक्ट यानी उपचारित एंड प्रोडक्ट या अंतिम उत्पाद है, जिसे पॉली इपोक्साइड भी कहते हैं। यह रिएक्टिव प्री पॉलीमर्स और पॉलीमर्स का एक क्लास है जिनमें इपोक्साइड ग्रुप शामिल होता है। इपॉक्सी रेजिन्स में ऊंचे तापमान सहने और रासायनिक प्रतिरोध या केमिकल रेजिस्टेंस के गुण होते हैं। इपॉक्सी के कई क्षेत्रों में अनेक उपयोग हैं, परंतु इसका मुख्य उपयोग इलेक्ट्रिकल उपकरणों पर धातुई परत या मेटल कोटिंग लगाने में किया जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पीसीबी की रचना और विकास के लिए होता है। बोर्ड को सही माप का करने के लिए छटाई की जाती है। इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि दरार न पड़े। इसके लिए लाख की रक्षात्मक परत या प्रोटेक्टिव लेयर लगाई जाती है। छटाई करने के कई तरीके उपलब्ध हैं। एक्सट्रूडेड इपॉक्सी की छटाई की प्रक्रिया। इपॉक्सी एक प्रकार का गोंद जैसा पदार्थ है जो प्लास्टिक या अन्य प्रकार के कृत्रिम या सिंथेटिक थर्मोसेटिंग पॉलीमर से बनाया जाता है। यह इपॉक्सी रेजिन्स का एक क्योर्ड एंड प्रोडक्ट यानी उपचारित एंड प्रोडक्ट या अंतिम उत्पाद है, जिसे पॉली इपोक्साइड भी कहते हैं। यह रिएक्टिव प्री पॉलीमर्स और पॉलीमर्स का एक क्लास है जिनमें इपॉक्साइड ग्रुप शामिल होता है। इपॉक्सी रेजिन्स में ऊंचे तापमान सहने और रासायनिक प्रतिरोध या केमिकल रेजिस्टेंस के गुण होते हैं। इपॉक्सी के कई क्षेत्रों में अनेक उपयोग हैं, परंतु इसका मुख्य उपयोग इलेक्ट्रिकल उपकरणों पर धातुई परत या मेटल कोटिंग लगाने में किया जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पीसीबी की रचना और विकास के लिए होता है। बोर्ड को सही माप का करने के लिए छटाई की जाती है।
इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि दरार न पड़े। इसके लिए लाख की रक्षात्मक परत या प्रोटेक्टिव लेयर लगाई जाती है। छटाई करने के कई तरीके उपलब्ध हैं। कंपोनेंट की लीड लगाने के लिए ड्रिल करना। एचिंग और धुलाई के बाद कंपोनेंट लीड या पीसी टर्मिनल पिंस के लिए बोर्ड में छेद ड्रिल करना आसान होता है। इस समय ड्रिल करना इसलिए आसान होता है क्योंकि बचे हुए तांबे पर टोनर अभी भी लगा हुआ है। ड्रिल करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एचिंग के दौरान छोटे से छेद पहले ही हर पैड में बनाए होते हैं। यह ड्रिल करने के समय जगह के निशान की तरह काम करते हैं। ड्रिल करते समय छेद के व्यास का ध्यान रखना चाहिए। इन छेदों का व्यास लीड और पीसी टर्मिनल पिन के लिए निर्धारित किए गए व्यास से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साधारण लीड कंपोनेंट के छेदों को 0.8 मिलीमीटर की व्यास वाली ड्रिल बिट से ड्रिल करते हैं। इसके अलावा बड़े कंपोनेंट और पीसी टर्मिनल पिन्स के लिए 1 मिलीमीटर या 1.2 मिलीमीटर व्यास का ड्रिल करते हैं। यदि आप पीसी बोर्ड पर ड्रिल कर पाते हैं तो आपको 3 मिलीमीटर या 3.5 मिलीमीटर व्यास की ड्रिल लेनी चाहिए। सही माप की ड्रिल बिट्स लेने का ध्यान रखना चाहिए। कंपोनेंट की तार लगाने के लिए ड्रिल करना। धातुई छेद करने के लिए अधिक चौड़ी ड्रिल का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ड्रिल धातु की परत पर ठीक से काम कर सके और यह लीड से ज्यादा चौड़ी हो। यदि आपको कोई उलझन हो तो आप पीसीबी उत्पादक या मार्गदर्शक से पूछ लें। अधातु को छेद करते समय कंपोनेंट लीड के व्यास के माप में 0.1 मिलीमीटर बढ़ा लें। ऐसा सोल्डर के बुरे यांत्रिकी गुण का असर कम करने के लिए किया जाता है ताकि पीसीबी की विश्वसनीयता बनी रहे। चौकोर या आयताकार लीड का छेद करते समय उनके डायगनल में 0.1 मिलीमीटर जोड़ लें। विश्वसनीयता के लिए आपको ड्रिल करने के तरीके में कई बदलाव करने पड़ते हैं। चपटे, चौकोर और आयताकार छेद करने के लिए अच्छा होगा कि आप स्लॉट या चौकोर बिट का इस्तेमाल करें, गोल बिट का नहीं। ऑप्टिकल इंस्पेक्शन। ऑप्टिकल इंस्पेक्शन या निरीक्षण की कहीं और चर्चा की गई है। इसे ज्यादातर फैब्रिकेशन की प्रक्रिया में शुरुआत में यील्ड सुधार और डाटा इकट्ठा करने के लिए लगाया जाता है, न कि अंतिम उत्पाद की योग्यता के रूप में। फिर भी रेजोल्यूशन में सुधार के साथ पकड़ाई में न आने वाले दोष बहुत कम हो जाते हैं और ऑप्टिकल इंस्पेक्शन एक तरह से आखिरी परीक्षण के रूप में माना जा सकता है। कॉम्बिनेशनल परीक्षण के तरीके। एक तकनीक जो हाई डेंसिटी प्रोडक्ट के मुश्किल परीक्षण के हालात में तुरंत व्यवहारिकतापूर्ण उपाय देती है, वह भी मौजूद उपकरणों की मदद से, उसे कॉम्बिनेशनल टेस्टिंग या सीक्वेंशियल टेस्टिंग कहा जाता है। जैसा कि नाम से मतलब समझ में आता है, यह एक या अधिक चरणों में परीक्षण के तरीकों के मेल से किया जाता है। तकनीकों का मेल करने से अनिवार्य रूप से जटिलता बढ़ जाती है। सबसे आसान उदाहरण है यूनिवर्सल ग्रिड को उत्पाद के बड़े हिस्से का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल करना, फिर बाद में फ्लाइंग प्रोब सिस्टम को HDI फीचर्स का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल करना और सूचित असफलताओं की ग्रिड के द्वारा दोबारा जांच करना। सॉफ्टवेयर टूल्स ने परीक्षण के तरीकों को जोड़ने की प्रक्रिया आसान कर दी है। निष्कर्ष। इस पाठ में यूजर ने खुले हुए पीसीबी या बेयर पीसीबी के हैंडलिंग तथा परीक्षण के दिए गए पहलुओं के बारे में सीखा। एचिंग की प्रक्रिया। एच किए गए बोर्ड पर पीसीबी डिजाइन। बोर्ड पर एचिंग सही हुई है इसकी जांच करना। बचे हुए अतिरिक्त रेजिड्यू को निकालना। पानी को 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करना। एक्सट्रूडेड इपॉक्सी को छांट कर साफ करना। अलाइनमेंट के लिए छेद या ड्रिल करना। पीसीबी पर सर्किट बनाना या लिथोग्राफी। कंपोनेंट लीड के लिए छेद या ड्रिल करना।